खरगोन जिले की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं ने अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर मोर्चा खोला और सरकार को अनिश्चितकालीन हड़ताल की चुनौती दे डाली। गौरतलब है कि आंगनवाड़ी कर्मचारियों के सहारे सरकार आमजन को जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दे रही है, ऐसे में महिलाओं ने मोर्चा खोला। इस दौरान आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ने बताया कि मुख्य नियमितीकरण की मांग पर सरकार सहमति प्रदान करे, अन्यथा महकमा अनिश्चितकालीन हड़ताल करेगा। भारतीय न्यूज के लिए खरगोन से रजाक खान की रिपोर्ट। इसलिए हम यहाँ पर 5 मांगों को लेकर आए हैं। पहली मांग हमारी है शासकीय कर्मचारी घोषित किया जाए हमें, और दूसरी मांग है जो कार्यकर्ता हैं ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं, ग्रेजुएट हैं, उन्हें ग्रेजुएट का लाभ दिया जाए, चिकित्सा सुविधा दी जाए, पेंशन दी जाए क्या। और तीसरी मांग जैसे कि जब तक हमें शासकीय कर्मचारी घोषित नहीं किया जाता तब तक हमें 18,000 रुपये मतलब कार्यकर्ताओं को दिया जाए और सहायिकाओं को 9,000 रुपये दिया जाए। जैसे आपकी 5 सूत्री मांगे, अगर ये मांगे पूरी नहीं होती है तो क्या कदम उठाएगा आपका? हमने आज पहला दिन है हमारा, हमने आज एक दिन के लिए हड़ताल करी है, आंगनवाड़ियाँ बंद करवाइए। यदि हमारी मांगे नहीं पूरी हो जाती सरकार को हम चुनौती देते हैं कि हम अनिश्चितकाल तक आंगनवाड़ियों में ताला लगवा देंगे और अनिश्चितकाल तक हड़ताल करेंगे। Subscribe now to most exciting channel ever.